वहाँ ख़त्म हो गए हैं, उससे अच्छा है तेजस्वी यादव आ जाए, वो अति उत्तम है। कुछ बनने लायक नहीं है, झाड़ू पोछा मारे घर में बस वही लायक है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की मुहिम के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष का संयोजक बनने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में नए गठबंधन का निर्माण होता है जिसका नाम इंडिया रखा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चर्चा सबसे ज्यादा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं, लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव की मुलाकात राहुल गांधी से होती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद कई बातों का जो कयास है वो लगाया जाने लगता है। अब हम पटना की सड़कों पर निकले हैं पटना के लोगों से जानने के लिए कि इंडिया गठबंधन का संयोजक क्या नीतीश कुमार को बनना चाहिए या लालू प्रसाद यादव को बनना चाहिए। जरा सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। ना लालू जी बने ना नीतीश कुमार बनेंगे हमारे आदरणीय कांग्रेस के पार्टी जो है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में सब कुछ होगा। और आने वाले भविष्य में इतना महंगाई बढ़ा दिया है सरकार ने, इतना महंगाई आम आदमी पर एकदम दिक्कत हुआ है। आज देख रहे स्वास्थ्य का क्या विभाग है, क्या ये सब क्या है, हमको तो नहीं लगता ये सब ऐसा है। देखिए पहले की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अभी जो है नीतीश कुमार वहाँ ख़त्म हो गए हैं, उससे अच्छा है तेजस्वी यादव आ जाए, वो अति उत्तम है। लेकिन नीतीश कुमार का जो मतलब ये है कुछ मतलब क्या बताएं, ऐसे तो अंधरा बहरा जो है वो भी काम कर लेगा, वैसे वो जो कर रहे हैं अभी। कुछ बनने लायक नहीं है, झाड़ू पोछा मारे घर में बस वही लायक है। प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी बनेंगे आपकी मुख्यमंत्री वही बनेंगे आपकी। नहीं बिहार में आपकी मोदी जी हैं, हाँ आपकी बार भाजपा सरकार। अच्छा तो अभी तो महागठबंधन की सरकार है बिहार में, वो है तो है, जब आएगा तो खत्म हो जाएंगे। नहीं टिकेंगे, नहीं जी आपकी बनेंगे भाजपा। इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं कि समझिए कि 15 साल राज किए तो हम लोग कुछ नहीं देखे, और जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो हमारे मोदी जी का देन है, राम मंदिर कभी बनने वाला नहीं था, समझिए कि बन गया, बहुत खुशी की बात है। हम लोग जाने वाले थे वहाँ पे, जाएंगे घूमने, और समझिए कि महंगाई है तो महंगाई अभी सरकार है ही नहीं है तो ध्यान नहीं है, समझिए कि बिहार में कोई ध्यान नहीं है उनका। आने वाला भी जब होगा इलेक्शन 2025 में तब सोचा जाएगा किसको बनाया जाता है किसको ना बनाया। ठीक है अभी दोनों ठीक है, अच्छे लगते हैं, काम करते हैं बढ़िया भाई। नीतीश कुमार के राज में हर चीज चकाचक लगता है, पुल हो गया, रोड हो गया, खटारा खटारा रोड बन गया है। क्या लगता है जब चुनाव होगा तो भारी पड़ जाएगा ये सरकार को, इनका या तेजस्वी का बनेगा या मुख्यमंत्री का बनेगा? देश में किसकी सरकार? देश में कोई नरेंद्र मोदी का ना बनेगा, ना बनेगा, वो काम ही ना कर रहे बढ़िया, कोई काम ही ना कर रहा, खाली अपना खड़ा किए हुए हैं। दोनों को बनाना चाहिए, दोनों को, हाँ दोनों मिलेगा, लेकिन अभी लाल नीतीश कुमार रहेगा और नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश बनने वाला है। बिहार का नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश जैसे 1977 और 84 में इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठाया था, वैसे ही आज नीतीश कुमार बिहार में लोकनायक जयप्रकाश के तरह और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर लालू यादव और नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और ये इंडिया पार्टी कामयाब होगी। तो उसका संयोजक नीतीश कुमार को बनना चाहिए।